स्टेटस ऑफ सुफियान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। लंबे उम्मीद से परहेज किया करो, क्योंकि ये दूसरी नेमतों को तुम्हारी नजर में छोटा बना देती है और तुम उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक जमाना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को यह भी परवाह ना रहेगी कि माल हराम है या हलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। हर वो दिन तुम्हारे लिए ईद है जिस दिन तुम अपनी माँ बाप से मुस्कुरा के बात करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक तमाम लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा वह शख्स है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकियों में बेहतरीन नेकी यह है कि आदमी अपने वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे। गुनाह और जुल्म में किसी की मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, मैंने लोगों को राजी करने का ख्याल दिल से निकाल दिया, तब जाकर हक बोलने पर कादिर हुआ। आप सभी को जुम्मा मुबारक। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए।